नमस्कार, फूड क्रेविंग्स अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। तो आज के हमारी रेसिपी है बैचलर्स चिकन। तो इस चिकन को बनाने के लिए हमें यहाँ पे मिक्सी का यूज़ नहीं करना है। ये बैचलर जो लोग रहते हैं उनके लिए एकदम फटाफट से बन के तैयार हो जाता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो चिकन। उसको मैंने अच्छे से धो के क्लीन कर लिया है। इसके लिए हमें चाहिए जिंजर और गार्लिक क्रश की हुई। हमें इसको पीसना नहीं है, जस्ट क्रश करना है। दो बड़े प्याज यहाँ पे लिए हैं मैंने बारीक काट के, और टोमेटो लिए हैं, एक बड़ा वाला टोमेटो मैंने यहाँ पे लिया है। अब एक कढ़ाई में हम 3 चम्मच तेल डाल देंगे, उसमें डाल देंगे जीरा 1 चम्मच, फिर उसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई प्याज। प्याज को हमें अच्छे से बारीक से काटना है और इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है। फिर इसमें डाल देंगे हम हरी मिर्च, लहसुन डाल देंगे बारीक कुटी हुई, और अदरक भी डाल देंगे, और इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से रोस्ट कर लेंगे ताकि इसका जो रॉ स्मेल है वो चला जाए। फिर हम इसमें डालेंगे टोमेटो। तो टोमेटो जो है यहाँ पे मैंने बारीक काट लिया है, और इसको सॉफ्ट होने तक अच्छे से पकने देना है। तो टोमेटो को सॉफ्ट होने में टाइम लगता है, तो 5 से 7 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से पकने के लिए छोड़ देंगे। देखो, 5 से 7 मिनट के बाद टोमेटो सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो मसालों में हमें चाहिए 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, हल्दी थोड़ी सी, और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। और यहाँ पे हम डालेंगे चिकन मसाला। चिकन मसाला जो है वो बाज़ार में इजीली अवेलेबल रहता है। तो यहाँ पे मैं 2 से 3 चम्मच चिकन मसाला ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने टोटल 3 चम्मच चिकन मसाला ऐड किया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। यहाँ पे हम जो पानी है वो गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालने से अच्छा सा स्मेल आता है, स्वाद भी अच्छे सा आता है। यहाँ पे और थोड़ा सा पानी डाल देंगे और मसालों को अच्छे से पकने के लिए रख देंगे। इस तरह से मैं यहाँ पे मैं 1 ग्लास पानी डाल दूंगी यहाँ पे, और इसको ढक के रख दूंगी 5 से 7 मिनट के लिए। 5 से 7 मिनट के देखो ऑयल जो है सेपरेट होने लगा है। फिर हम इसमें डाल देंगे चिकन। चिकन को मैंने कुक नहीं किया है। अब हम इसको इस तरह से मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये अनकुक चिकन है तो पकने के लिए 20 से 25 मिनट लगते हैं। इसमें डाल देंगे नमक, और अब हम इसको ढक के रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद देखो पानी जो है वो कम हो गया है। अब हम इसमें और 1 ग्लास पानी ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और 15 मिनट के लिए इसको ढक के रख देंगे। 15 मिनट के बाद जो है हमारा चिकन एकदम पक के रेडी है। देखो ग्रेवी भी गाढ़ी है अच्छे से, और चिकन भी एकदम सॉफ्ट से कुक हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा धनिया। यहाँ पे हमारा चिकन बनके एकदम रेडी है, बहुत ही सुंदर लग रहा है। देखो चिकन बहुत ही अच्छे से पक गया है, इजीली निकल रहा है, और जो ग्रेवी है वो भी एकदम गाढ़ी हो गई अच्छे से। तो आप इसको रोटी या राइस के साथ खा सकते हो। दिखने में बहुत टेम्पटिंग लग रही है, और खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है। सो आप इसको ज़रूर ट्राई करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।